स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मेंडलवाद से विचलन के अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे सहप्रभाविता के बारे में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसके पहले हमने पढ़ा था अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात प्रभाविता तो थी लेकिन कैसी थी, अपूर्ण थी, पूर्ण तरह से व्यक्त नहीं हो पा रही थी। अब हम पढ़ेंगे सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। जब किसी जीन के दोनों विकल्पी विषम युग्मजी में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इस दशा को सहप्रभाविता तथा ऐसे विकल्पी को सहप्रभावी कहते हैं। पहली कंडीशन क्या दे दी इनने, दोनों विकल्पी कैसे होना चाहिए, हेटरोजाइगस अर्थात विषम युग्मजी होना चाहिए। विषम युग्मजी पहली कंडीशन। दूसरा, ये उस कंडीशन में अपना कैसा प्रभाव देते हैं, समान प्रभाव, इक्वल इफेक्ट देते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। और जो इस लक्षण को प्रदर्शित करता है ऐसे विकल्पी को सहप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आई, विषम युग्मजी हेटरोजाइगस कंडीशन, इक्वल इफेक्ट समान प्रभाव, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस, और जो इसको कैरी कर रहा वो कोडोमिनेंट कहलाता है। आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैडम, अपूर्ण प्रभाविता में भी तो कोई भी लक्षण जो है वो स्पष्ट रूप से प्रभावी नहीं हुआ था, और सहप्रभाविता में भी लक्षण नहीं आ रहा, इसमें क्या है? तो बच्चों, आपको ये समझना है कि अपूर्ण प्रभाविता जो है वो समयुग्मजी में दिखाई गई है, और सहप्रभाविता जो है वो विषम युग्मजी अर्थात हेटरोजाइगस कंडीशन में है। अपूर्ण प्रभाविता में जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्णतया व्यक्त नहीं होता, जबकि सहप्रभाविता में दोनों लक्षण इक्वली आते हैं। जैसे दो भाई बहन हैं, तो पहले में क्या होता है, अगर बहन ज्यादा स्ट्रांग है तो अपने छोटे भाई को दबा के रखती है, नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे, लेकिन थोड़ा अगर उसका भाई बोलने लगता तो कहती हाँ चलो मिलके कर लेते हैं, तो वो अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों भाई बहन आपस में बराबर से लड़ाई, नहीं तुम अगर ऐसा कर रही हो तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो बाद में क्या क्या संधि हो जाती है कि चलो ठीक है बराबर बराबर से अपन शेयरिंग करेंगे। तो कोडोमिनेंस को आप भाई बहन के इक्वल पार्ट से जरूर डिस्कस करेंगे तो आपको ये नियम याद आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों लक्षण बराबर से प्रभावी होते हैं। F1 जनरेशन जो रहता है उसमें दोनों लक्षण प्रकट होंगे, अर्थात F1 जो है दोनों को रिजेंबल करेगा। अब इसका उदाहरण देखें हम तो, कोट कलर ऑफ कैटल, मवेशियों में जो त्वचा का रंग आपने देखा होगा, कुछ मवेशी एक कलर, जैसे सफेद रंग की गाय तो पूरी सफेद होगी, लाल रंग की गाय तो पूरी लाल रंग की दिखाई देगी, या काले रंग की पूर्णतया दिखाई देगी। लेकिन कभी कभी हम कुछ गायों को ऐसे देखते हैं जो चितकबरे कलर की होती है, रोन कलर की होती है, तो उस पर हम सहप्रभाविता का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, एक लाल गाय का और एक सफेद गाय का, लाल गाय और सफेद गाय, वैसे कैटल है तो मवेशी लिखना चाहिए पर मैं यहाँ गाय का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब लाल कलर को हमने कैपिटल आर से दर्शाया, ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने इससे मिलता जुलता अपूर्ण प्रभाविता में लिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। सेकेंड, हमने सफेद रंग की गाय को स्मॉल आर से दर्शाया, जब इसके गैमीट बने तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं बनते हैं गैमीट। अब जब हमने इनका F1 पीढ़ी में क्या कराया, क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमको जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो कैसे कलर की हुई, या तो मेंडल के हिसाब से क्या होना था, पूरी तरह लाल रंग की गाय हमको मिलना थी जो कि डोमिनेंट फैक्टर था, अपूर्ण प्रभाविता के हिसाब से गुलाबी रंग की हो जाना थी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर कोडोमिनेंट यानी सहप्रभाविता हुई। लाल रंग ने कहा हम भी अभिव्यक्त करेंगे, सफेद रंग ने कहा नहीं नहीं तुम क्यों आओगे आगे, मैं भी साथ में चलता हूँ। तो उनने क्या किया, लाल सफेद रंग के उसमें लाल रंग के क्या बन गए, स्पॉट बन गए, तो वो कैसा कलर बन गया, चितकबरा रंग या रोन कलर बन गया। ये जो रोन कलर है ये दर्शाता है कि जब विषम युग्मजी दशा में आते हैं तो यहाँ पर दोनों ही लक्षण समान रूप से प्रभाविता शो करते हैं, और इसको ही हम सहप्रभाविता कहते हैं। अगेन जब हम इसमें सेल्फिंग कराएंगे, यहाँ पर इसमें क्या हो गई, सेल्फिंग यानी स्वपरागण की क्रिया हुई, जब हमने स्वपरागण की क्रिया कराई फिर से हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो
यहाँ पर इसका गैमेट आ रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब हमने इनमें फ्यूजन हुआ, क्रॉसिंग हुई, तो कैपिटल आर बन गई लाल कलर। अब अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया रोन कलर, चितकबरा रंग। अगेन यहाँ देखें कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया चितकबरा रंग। और यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। फिर से हम इसका फिनोटाइप रेशो देखेंगे, अर्थात लक्षणों के आधार पर। तो लाल रंग का 1, चितकबरा रंग 1, 2, 2, और सफेद रंग हो गया 1। तो रेशो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और जब जीनोटाइप का हम देखेंगे इसके गैमेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया 1:2:2, स्मॉल आर हो गया 1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशो हो जाएगा 1:2:1। तो बच्चों ये था आपका सहप्रभाविता के बारे में। यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे खाली स्थान में या ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि सहप्रभाविता में फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, या सहप्रभाविता में जीनोटिपिक रेशो क्या होता है। मुझे आशा है बच्चों कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इसको समझने के साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।